HRSouthHindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। देशमुख जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अमेरिकी चुनाव पर ये विशेष श्रृंखला चला रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी जो चहल पहल है, जो गतिविधियां हैं, चुनाव प्रचार है, उस सब पर। और आज इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम बात करेंगे, जो आज डिबेट हुई है, वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि कमला हैरिस के और माइक पेंस के बीच में हुई है। और हालांकि इस बहस में कोई बहुत पटाखे नहीं छूटे हैं, बहुत बंदूकें नहीं दागी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो निकल कर आती हैं। यशवंत जी, कमला हैरिस का पहला एक तरह का ये अपीयरेंस है चुनाव के बीच में, और आपको क्या लगता है कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस? कमला हैरिस एक अटर्नी रही हैं, मतलब अटर्नी जनरल रही हैं एक्चुअली कैलिफोर्निया की, और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि डिबेट के मसले पे हम सबको उम्मीद थी कि वो काफी ज्यादा तैयारी से आएंगी, काफी प्रिसाइसली अपनी बातें रखेंगी, और वही हुआ भी। हालांकि माइक पेंस भी जितने सधे हुए ढंग से बैठे थे, दरअसल उनके बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिबेट में उछल कूद मचाते हैं, उसके तुलना में माइक पेंस इतने ज्यादा सभ्य और शालीन और सधे हुए लग रहे थे कि बहुत ज्यादा लोगों ने तो ये लिखा कि दरअसल पिछली डिबेट के बाद में ये डिबेट नॉर्मल थी पिछले पहले के सालों की तरह, और उस नॉर्मेलिसी में इतनी उबाऊ और इतनी बोरिंग सी लग रही थी क्योंकि लोगों की ऑल ऑफ ए सडन अपेक्षा वो अजीबोगरीब हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट्स के कारण। और तो ये एंटरटेनमेंट नहीं मिला लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक क्लासिक ओल्ड फैशन वे में जिसे कहते हैं वो डिबेट चली। जितना देखने में लगा, एक तो माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप दो बहुत अलग अलग जीव हैं, लेकिन ये डिबेट दरअसल कुछ मायनों में बड़ी ऐतिहासिक है। एक तो कमला हैरिस का इस डिबेट में होना, एक कलर जिसे कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन भारतीय मूल के मिश्रित हैं, और उस तरीके के किसी भी महिला का पहली बार टिकट पे होना, ये एक बड़ा ऐतिहासिक जज्बा था जिसको माइक पेंस ने भी बधाई दी इस बात के लिए कि उनका टिकट पे होना और डिबेट में होना, ये भी एक अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। दूसरी चीज कि दोनों ही राष्ट्रपति और जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, तो कि ये लगातार कहा जा रहा है कि कि एक सिंग अगर जो बाइडेन भी जीतते हैं तो शायद वो दूसरा टर्म नहीं मांगेंगे, और दूसरा टर्म नहीं मांगेंगे तो स्वाभाविक बात है कमला हैरिस एक फ्रंट रनर होंगी चार साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए अपना टिकट मांगने के लिए। दूसरी तरफ माइक पेंस भी पूरी तरीके से उस चीज के ऊपर लगे हुए हैं, वो भी सधे हुए तरीके से। ये दोनों उम्मीदवार लगा कि ये चुनाव नहीं बल्कि अगले चुनाव के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करने में लगे हैं, तो ये इस लिहाज से भी बहुत अलग और बड़ी। लेकिन यशवंत जी, अभी जब ट्रंप कोविड की चपेट में हैं और जाहिर है कि प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी माइक पेंस पर आ जाती है कि वो मोर्चे को संभाले। तो क्या वो मोर्चे को संभालते हुए दिखे? हालांकि वो लगातार ऐसा लग रहा है कि माइक पेंस ही नहीं, मुकेश, एक बड़ी अजीब सी चीज थी, दोनों ही कल के जो दोनों ही उम्मीदवार थे इस डिबेट में, वो अपने अपने स्टैंड को डाइल्यूट करने में लगे थे। मसलन कमला हैरिस इस बात के ऊपर पूरी तरह ताकत लगा रही थी कि वो ये बता पाए कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इतने लिबरल नहीं है कि लोग उनसे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट किस्म के लिबरलिज्म की उनसे वो डरे ना, और माइक पेंस लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और वो इतने कंजर्वेटिव भी नहीं है। मतलब एक तो ऐसा लगा कि पहली डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने एक्सट्रीम छोर पकड़ लिए, और ये वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स को बीच का जो वोटर है उसको अपनी ओर, न्यूट्रल वोटर या जिसे कहते हैं कि जो सेंट्रिस्ट वोटर है उसको अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत इन लोगों ने लगाई। कमला हैरिस ने तो खैर जो बहुत अच्छे बोले, बहुत पॉइंटर्स बोले, और ऐसा लगा कि इनकी तैयारी एक एक बिल्कुल जैसे बढ़िया
बचपन से कोई स्कूल की टीम से ही जो है डिबेट की अच्छी तैयारी करके बोलने वाले वक्ता होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग में दिख रहा था, वन लाइनर या पंचेस जो पंच लाइनर जो होते हैं वो उनके बड़े पकड़े हुए थे। और माइक पेंस इतने सदे हुए, इतनी सारी चीजों पे उन्होंने एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप की कमियों को भरने की कोशिश की। मसलन जो लोग मरे उनके लिए पहली बार ये बात बोलना कि नहीं, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब कोरोना में मरे हुए लोगों के परिवार उनके ख्यालात में ना होते हों, तो वो बहुत ही सॉफ्ट वर्जन की तरह से अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे थे। तो शायद इन दोनों ही कैंडिडेट्स ने पकड़ लिया था कि हमारे बॉसेस से क्या चीज छूट गई है और उसको करें, और समहाउ दोनों ने ये समझा कि ये जो सेंट्रिस्ट वोटर है हमें इसके लिए कुछ करना है। तो कमला हैरिस ने कोविड के मसले पर बैंड बजा दी एक तरह से ट्रंप की, जम के जो रिप अपार्ट जो बोलते हैं कि कर दिया उन्होंने उस मोर्चे पर, वो बहुत अच्छे से अपनी पार्टी का जो बाइडेन का पक्ष रख पाई, ये उनको उनका उनकी ताकत जी। और ये बात अपेक्षित थी क्योंकि वो एक वकील हैं, बहुत ब्रिलियंट वकील हैं, और एक अच्छा वकील जब डिबेट में आता है, हम देख चुके हैं हमारे अपने संसद में, देखिए ना अरुण जेटली हो चाहे सुषमा जी हो, ये लोग अपोजिशन नेता के तौर पे जब जब जिरह करते थे पार्लियामेंट में, या वैसे हम लोग तो बहुत सालों से शुरुआती डिबेट्स में भी, टीवी डिबेट्स में भी आपको हमको स्मरण है जब वो लोग आते थे, जब कांग्रेस की बड़ी सरकार थी, भाजपा उभर रही थी, वी आर टॉकिंग अबाउट 90s, क्या जिरह करते थे, क्या उनकी तैयारी होती थी। और कांग्रेस की ओर से भी हम जानते हैं जब बोलने वाले लोग आते हैं उसमें, अगर अगर आप चिदम्बरम साहब की बात करें, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, अंश जो भी उनके यहाँ से, अभिषेक मनु सिंघवी, जिरह जो अच्छा करेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपेक्षित था कमला हैरिस के साथ में, ये अपेक्षित था कि वो अच्छी जिरह करेंगी, और बहुत अच्छे से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कमियों को, केवल कोविड पे नहीं बल्कि रेसिज्म के मुद्दे पे, नस्लवाद के मुद्दे पे उन्होंने बहुत अच्छे से पिन पॉइंट किया कि आप लोग मतलब पूरी तरह से घेर लिया। केवल एक जगह पे जा करके जो वो अटकी, वो पूरे डिबेट में मुझे ऐसा लगता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के जज वाले मसले पे अटकी, जिस मसले पर एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को भी अटका दिया था, और उसी चीज मसले पर एक तरह से माइक पेंस ने जो है कमला हैरिस को भी, टैक्स के मसले पर भी वो फंस गई थी, टैक्स के मसले पर फंसी जी, टैक्स का मसला पे फंसी, लेकिन टैक्स का मसला या आप कहें कि अपने सैनिकों को वापस लाने का मसला, ये वो मसले ऐसे हैं जिसको आप रिटोरिक कह सकते हैं, जो बिल्कुल आंख के सामने वाला एक सुप्रीम कोर्ट के जज का मसला है, जिसमें ये बात लगातार कही जा रही है कि अगर जो बाइडेन और कमला हैरिस जीतते हैं तो ये जो 6-3 का गैप सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हो जाएगा, अगर ये पक्का जज बना दी जाती है नहीं, तो उसको पाटने के लिए वो हो सकता है कि 3 और नए जज नियुक्त करें और 9 की बेंच को बढ़ा करके वो 12 की बेंच कर दें। ये बात के ऊपर चूंकि जो बाइडेन नहीं कोई लाइन ले पाए थे, इसलिए इसके ऊपर कमला हैरिस भी कोई लाइन नहीं ले पाई। मुझे लगा था कि शायद इस मसले पे अब तक वो विचार कर लेंगे कि हमको जवाब क्या देना है। थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग ये जरूर लगा कि जो बाइडेन के अटकने के बाद में भी इस मुद्दे पे वो पूरी तरह से खुल के कोई अपनी एक स्ट्रेटजी बना के शायद नहीं आ पाई। तो अब ये यशवंत जी क्या कहा जाए, चुनाव प्रचार के लिहाज से अगर देखें हम इस डिबेट को, तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव प्रचार पर इस डिबेट का किसी तरह से कोई असर पड़ने जा रहा है। कमला हैरिस ने अपनी पहचान बना ली, अपने को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया, वो पूरी डिबेट के दौरान मुस्कुराती रही, इरिटेट नहीं हुई, और जो बाइडेन के बार बार ओवर एक्सीट करने के बावजूद, टाइम लिमिट को पार करने के बावजूद, वो अपना संयम बरकरार रखी, उन्होंने रखा और अपने को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया। तो ये क्या ये जो छवि बनी है, हालांकि ये छवि, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो महिला होने के नाते, चूंकि वो कलर्ड थी, इसलिए भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा संयम दिखाना पड़ा क्योंकि इसका कोई दूसरा मैसेज लोग ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे। तो क्या लगता है आपको, दोनों के व्यवहार के बाद कुछ असर पड़ेगा, या ये ठीक है वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, हो गई, दैट्स ऑल?
मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मुकेश जी, लेकिन लोगों ने एक तरह से ट्रेलर देखा 4 साल के बाद का, और उस ट्रेलर में कम से कम इस बात की थोड़ी सी सबको भरोसा हुआ कि चलिए कुछ तो चीजें, अगर यही दोनों लड़ते हैं 4 साल बाद तो चीजें कुछ नॉर्मल होगी। दोनों के पक्ष में अच्छी बातें सामने आई। दरअसल कमला हैरिस अच्छी डिबेटर रही, उन्होंने अपने पॉइंट्स को सब बहुत अच्छे से रखा, बहुत सॉर्टेड रही, और उनके हिस्से में केवल एक ही काम था। दरअसल वो काम ये था कि जो माइनॉरिटी लिबरल वोट्स हैं डेमोक्रेट्स के, वो पूरी तरह से डिलीवर हो जाए कमला हैरिस के कारण, बिना इस बात का जिक्र किए हुए कि कमला हैरिस खुद माइनॉरिटी वो है, लिबरल है, मतलब सांप भी मरे और लाठी भी टूटना टूटे, तो उसमें वो कामयाब रही। मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक उन्होंने बिना इस बात को जिक्र किए या बिना इस बात के लिए कोई अपनी पीठ थपथपाए कि मैं अश्वेत होकर के या भारतीय मूल का होकर के मैं मांग रही हूँ। दरअसल उन्होंने इस डिबेट को अपने अपने टैलेंट कह लें या जो उन्होंने हासिल किया है मुकाम जिंदगी में, वो उसके ऊपर डिबेट कर रही थी, महिला होने या श्वेत महिला होने के नाते। ये बात मुझे अच्छी लगी, मतलब बिना अपने पॉजिटिव चीजों को जिसके ऊपर उनका टिकट तय हुआ, मतलब एक्चुअली में पॉलिटिकली स्पीकिंग कि अश्वेत हैं, महिला हैं, भारतीय मूल की हैं, जो उन कारणों को छुए बगैर उन्होंने अपने अपने दम पे अपनी बात की, एक अच्छी लंबी लाइन खींची। माइक पेंस का जो संयम था वो देखने, मुझे ऐसा लगता है कि माइक पेंस ने अपनी यूएसपी जो रखी वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसा बॉस होने के बाद में भी जितने पोकर फेस बना करके उन्होंने ट्रंप के 4 साल को डिफेंड किया, वो उनके लिए एक तरह से प्लस पॉइंट आया कि ये टीम प्लेयर है, मतलब ये जिस जगह खड़ा है उस चीज को डिफेंड कर रहा है, और बिना असंयमित हुए, बिना गलत भाषा का प्रयोग किए, बिना भड़बड़ाए हुए, मतलब उस व्यक्ति ने वो सब कुछ कहा जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी शालीनता नहीं खोई, कहीं पर भी उन्होंने बदतमीजी नहीं की, कहीं पर भी चेहरे पे उनके कोई भाव ऐसा विकृत भाव नहीं आया, और बल्कि पूरी डिबेट का सबसे हाई पॉइंट तो मजाक में निकल गया, जो मक्खी आकर के उनके सर पे बैठ गई, वो भी एक अपने आप में एक अद्भुतीय वाकया था कल की डिबेट का, कि पूरी डिबेट एक तरफ रह गई और वो मक्खी हाईलाइट बटोर ले गई, लेकिन उस 2 मिनट के मक्खी 2 मिनट 3 सेकंड प्रिसाइसली जो मक्खी उनके सर पे बैठी, उस मक्खी के बैठने पे भी जिस तरीके से वो कंटिन्यूड रहे, बिल्कुल उसमें कोई उन्होंने अपने ऊपर असर नहीं आने दिया, वो भी एक क्लासिकल बात है, क्योंकि वो एक आपका एक तरह से अलग ढंग से आपका व्यक्तित्व दिखाता है कि नहीं लेकिन मक्खी कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रही थी, वो आराम से उनके आगे बस बैठी थी, लेकिन बड़ा कंट्रास्ट था सफेद बालों पे बिल्कुल खाली मक्खी, और उनको पता भी नहीं चला होगा कि मक्खी बैठी है, नहीं पता चला देख रहे थे, लेकिन उनको अंदाज भी नहीं हुआ होगा, और उस समय उनका ध्यान तो जाहिर है कि जो लाखों करोड़ों अमेरिकी देख रहे हैं उनको एड्रेस करने पर था मक्खी, इसलिए लेकिन लाखों करोड़ों के बीच में ट्रेंडिंग मक्खी हो गई, ये भी सोशल मीडिया पर, तो वही एकमात्र जो मसला था पूरी डिबेट का चर्चा के लिए लोगों को मिल पाया। बाकी तो देखिए, टैक्स का मसला हो, वाइट सुपरमेसिस्ट का मसला हो, कोविड का सवाल हो, इन दोनों मामलों में हम सब ये कह सकते हैं कि दोनों ही कैंडिडेट ने अपने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवारों के तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया, कोई कमजोर नहीं था। कमला हैरिस बेशक पहले इस तरह से कोई कमजोर नहीं था, इस डिबेट में मैं पहले डिबेट के लिए आपने पूछा कि कौन जीता हारा, तो मैंने ड्रॉ कहा था, लेकिन ड्रॉ दूसरे कारणों से कहा था। उस ड्रॉ का कारण ये था कि मुझे लगा कि ये दोनों ही कैंडिडेट ट्रंप और जो बाइडेन, ये दरअसल विचित्र ढंग से अपने अपनी वोटर को वो कोशिश कर रहे हैं, और अपने एक्सट्रीम पे, मतलब मुझे उसमें कोई कोई भी अंतर नहीं दिखा, अपने कोई अनपेक्षित बात नहीं दिखी। ये वाला मैं ड्रॉ इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगा कि दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया जो उनसे अपेक्षित था, और ये एक क्लासिक डिबेट की तरह से रही पुरानी। हालांकि उसमें भी मैं पढ़ रहा हूँ कि माइक पेंस के ऊपर अभी भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीच में अपने बॉस की तरह से ही रोका टोकी बहुत की, ऐसा बोला गया, लेकिन शायद
डोनाल्ड ट्रंप की टोका टोकी और डोनाल्ड ट्रंप का जो लहजा है करने का बोलने का, उसके कंपैरिजन में तो मतलब कोई कोई सवाल ही नहीं उठता। वो इतने शालीन ज्यादा लग रहे थे, शायद डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन के कारण और भी ज्यादा शालीन लग रहे थे जी। लेकिन कमला हैरिस ने बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी ही सख्ती के साथ उन्हें रोका भी। जी हाँ। वो लाइन मीम बन गई, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आई एम स्पीकिंग। उस चीज को दरअसल ये महिलाओं के वोट बैंक के बीच में कल ये ट्रेंड भी कर गया और ये मीम ये बन गया है मुकेश जी की, शायद ये कहना महिलाओं का कि मैं अभी बोल नहीं हूं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ये असर्टिवनेस आना, ये अपने आप में एक कैंपेन का उनके लिए काम कर गया। बिना आवाज को ऊपर किए हुए शालीनता और फर्मनेस के साथ में कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी बोल रही हूं, ये एक उनके पूरे डिबेट का एक कहना चाहिए कि हाई पॉइंट्स में से एक था जो जो महिला वोट बैंक के बीच में काफी कारगर होने की उम्मीद है। जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वहां के अश्वेत भी, उनके बीच में भी काम करने की उम्मीद है। भारतीय मतदाताओं के विषय में हमने पहले ही बोला कि वो अपने अलग तरीके से काम करेगा। मेरा मानना यह है, अभी मैं डेटा आज भी देख रहा था, जितना कल तक का हमारा सर्वे वहां पे हुआ, अधिकांश भारतीय, वैसे भी वहां पे भारतीय मूल के लोग डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आए हैं, लग रहा है इस बार भी देंगे। लेकिन उसका कारण मूलतः यह है कि अधिकांश भारतीय मूलतः डेमोक्रेट है, वो कोई कमला हैरिस के कारण, ये बात मैंने शुरुआत में भी आपसे कही थी मुकेश जी कि कमला हैरिस के कारण भारतीय निकल के वोट देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दो चार और लोग बिदक जाएं, ये संभावना जरूर है, क्योंकि वो कभी भारतीय मूल को लेकर के बहुत एग्रेसिवली अपने आप को प्रेजेंट उन्होंने नहीं किया। लेकिन कमला हैरिस का प्रदर्शन निस्संदेह शानदार था और वो अंडरलाइन ये भी कर रहा था कि जो बाइडेन ने उनको उनको पिक करके कोई गलती नहीं की और जिन कारणों से उन्होंने कमला हैरिस को चुना वो कारण व्यवस्थित दिख रहे थे। और इस कोविड वायरस के कारण मुकेश जी स्थिति इतनी भयानक और अनसर्टेन है कि इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति जब भी बने, लेकिन इन दोनों जो छोटे वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार हैं, इनमें से कौन सा उम्मीदवार को किस दिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ जाए यह कोई नहीं जानता, जो जो स्थितियां हैं का कोविड के कारण। ऐसे में कल की डिबेट उस लिहाज से रीअश्योरिंग लगी कि आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग वो अपनी जगह पे अपने अपने क्वार्टर को उन्होंने किया, लेकिन सेंट्रिस्ट भी थे। डिबेट का एक पॉइंट बहुत महीन यह था मुकेश जी, कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रेफरेंडम मांग रही थी बार बार, और माइक पेंस उसे आइडियोलॉजिकल लड़ाई बना करके पेश कर रहे थे कि आइडियोलॉजिकली आप वोट डालिए क्योंकि ये अगर आएंगे तो ये ऐसा करेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बोल के दीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, जिस चीज के ऊपर कमला हैरिस चुप हो रही थी कि वो बोल के नहीं दे रही थी। तो ये आइडियोलॉजी बनाम रेफरेंडम बेसिकली पूरे कैंपेन का हाई पॉइंट इसमें क्रक्स में समझ में आ गया इन लोगों की डिबेट से। जी, इस डिबेट को जो कि थोड़ा सभ्य डिबेट हुई, क्या आपको लगता है कि अगली जो डिबेट होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट, अगर जब भी होगी, अभी तो संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो उस पर भी कुछ असर पड़ेगा कि थोड़ा ट्रंप थोड़ा सभ्यता के? मुझे नहीं लगता। आज की लेटेस्ट सूचना तो अभी मैं जितनी मेरे पास में जानकारी है मुकेश जी की, जो जो बोर्ड है जो ये डिबेट ऑर्गेनाइज करता है उसने ये प्रस्तावित किया कि अगली डिबेट वर्चुअल होगी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उनका ये कहना है ये कंप्यूटर देख करके डिबेट नहीं होती, आमने सामने बैठ करके डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बहुत शातिर आदमी है उस मामले में, उन्होंने दो कारणों से मना किया मुकेश जी। एक तो ये कि वो, मैं रिकवर होके कोरोना से आ गया हूं और मैं डिबेट करना चाहता हूं, इस बात को वो अंडरलाइन करना चाहते हैं। दूसरा, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर वर्चुअल पे उनकी डिबेट हुई तो ये एंकर के हाथ में रहेगा कि वो जब चाहे उनको म्यूट करें, अगर वो बहुत टोका टोकी करें और बोले कि हम दो मिनट अब आपका समय समाप्त, आपका हम वॉल्यूम शून्य पे कर रहे हैं। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते, उनको मालूम है कि बिना टोका टोकी के उनकी डिबेट कंप्लीट नहीं होती। तो डोनाल्ड ट्रंप मना कर चुके हैं कि वो वर्चुअल डिबेट में शामिल नहीं होंगे, और जो जो बोर्ड है डिबेट कराने वाला उसने बहुत साफ बोला है कि अगली डिबेट वर्चुअल ही होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पूरी लड़ाई में मामला खटाई में न चला जाए,
एक ही चीज हो सकती है दोनों के बीच का रास्ता, कि अगर हेल्थ कारणों से हो सकता है कि बिल्कुल ही शीशे का कोई कमरा एक बना दिया जाए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ला करके अलग से बैठाया जाए कि ये कहते हुए कि ये दूसरे को इन्फेक्ट ना करें, और दो शीशे के कमरे में कल जैसे बीच में केवल पतला सा एक प्लास्टिक का वो लगाया गया था विच इज रिडिकुलस, क्योंकि उसका कोई मायने नहीं था, वो इफेक्टिव भी नहीं था, कोई मायने भी नहीं था उसका, केवल वो शोबाजी या दिखावा लग रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आगे रहते हैं कि अगर हमें वर्चुअल नहीं करना है, और किसी ने अगर ये दिया कि कांच के ही बिल्कुल सील्ड कमरे बना करके आमने सामने बैठा दिए जाएं और तीसरे सील्ड कांच के कमरे में एंकर बैठे तो कैसा रहेगा? अद्भुत है, ये कोरोना ने जो ना दिखाए वो भी अपनी जगह पे का है। हाँ, तब तो फिर ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट्स की डिबेट है वही जो 15 तारीख को होनी है उसी पर नजर रहेगी। अगर इस तरह से तैयार नहीं होते डिजिटल डिबेट के लिए तो जाहिर है फिर बाकी और कुछ बचता नहीं इस चुनाव में। चुनाव प्रचार अब उस तरह से तो हो नहीं पाएगा, ट्रंप पता नहीं कब तक लौटते हैं। कि ये मुद्दा उस डिबेट में काफी जोर से डिबेट किया जाए, क्योंकि जो जो दोनों तरफ का स्टैंड है वो ये कि रिपब्लिकन्स अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बहादुर राष्ट्रपति की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ के ये आ गए और सर पूरी बखूबी अपनी निभा रहे हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये आदमी पागल है, ये सबको बीमार कर रहा है। मतलब व्हाइट हाउस में 20 लोग अगर बीमार हुए हैं तो सब उन लोगों का इम्प्लाइंग ये है कि सब प्रेसिडेंट के कारण ही हुए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। कल की डिबेट, इस वाली डिबेट में ये मुद्दा टच नहीं किया गया, ट्रंप की व्यक्तिगत बीमारी वाला मुद्दा टच नहीं हुआ। हो सकता है कि अगली डिबेट में, और खासतौर पर अगर प्रेसिडेंट डिबेट नहीं होती अगली इस लड़ाई झगड़े में, तो वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट में हो सकता है कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा आगे आए और अलग तरीके से डिबेट किया जाए। जी, और चूंकि इस डिबेट में कमला हैरिस को मौका मिला कोविड के सवाल पर माइक पेंस को कटघरे में खड़ा करने का, तो उससे भी उनका उत्साह बढ़ा होगा कि ये एक ऐसा मोर्चा है जहां पर आप उनको पटखनी दे सकते हैं। और चूंकि व्हाइट हाउस ही अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है, अगर 15 तारीख तक भी वही हालत रहती है तो निश्चित रूप से अब अगला टारगेट फिर उस पर और जोरदार ढंग से। वो तो संख्या ऊपर जानी है, किसी भी दफ्तर में अगर अगर एक बार ये वायरस एक को इन्फेक्ट किया है तो एक संक्रमण की चांसेस उसमें सामान्य तौर पे ज्यादा रहता है, और अगर सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो पूरी संभावना है। अब ऐसे में ये संख्या व्हाइट हाउस के लोगों की, संक्रमित लोगों की बढ़ेगी, और खुदा ना खास्ता उसमें से कोई एक आधा गंभीर हो गया तो मुद्दा अलग तरीके से चला जाएगा। अगर राष्ट्रपति को कोई और गंभीरता नहीं हुई और वो डटे रहे और एक ब्रेव फेस बना करके खड़े रहे तो वो एक मुद्दा अलग तरीके से जाएगा। तो ये मुद्दे के अलावा पर्सोनिफिकेशन जिसे कहते हैं ना, कि आप स्वयं उसके जीतते जाते कुछ प्रमाण या वैसे हो जाते हैं इस वायरस के खराब होने के भी और अच्छे होने के भी, मतलब इस वायरस से लड़ाई करने के। अब ये देखना होगा कि इसका असर कितना क्या दिखता है। बड़ी तादाद में मुकेश जी इस समय अर्ली वोटिंग की खबर आ रही है हमारे पास में, जो ये समझिए कि पिछली बार के मुकाबले करीब करीब 4 गुना ज्यादा उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट और अर्ली वोटिंग हो जाएगी। हो सकता है ये पहला चुनाव ऐसा हो जिसमें बहुतायत में मेजॉरिटी वोट जो है वो पोस्टल बैलेट या अर्ली वोटिंग से ही पड़ जाए। और अभी जो सूचना है उसमें एक्चुअली में सभी राज्यों में, 7 राज्यों को छोड़ दें तो सभी राज्यों में पोस्टल बैलेट लगभग हो गया है। कुछ राज्य कई तो ऐसे हो गए, मैं आज आपके लिए आंकड़े निकाल लाता, इसमें एक एपिसोड हम जरूर करना चाहेंगे कि एक्चुअली में नए जो कानून अब राज्यों ने बनाए हैं उसमें कई सारे राज्यों ने ऑल वोटिंग बैलेट पोस्टल बैलेट वाला ऑप्ट कर लिया है। बहुत सारे राज्यों ने बिना कारण बताए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करने की छूट दे दी है। कुछ राज्य ऐसे हैं, 7 राज्य जिसमें कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरीके के राज्य शामिल हैं, जहां पर बिना कारण बताए आपको पोस्टल बैलेट नहीं मिलेगा और कोरोना एक कारण नहीं है उसमें। तो 7 राज्य अभी भी ऐसे माने जा सकते हैं जहां के कानून के हिसाब से लोग इन पर्सन ही जाकर के ज्यादातर लोग वोट डाल पाएंगे। और अर्ली वोटिंग इन पर्सन वाली भी खुल गई, मतलब जो आप बूथ में जाकर के वोट दे सकते हैं ऐसे भी अब
अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइमलाइन से खुल रही है, तो मैंने कैलेंडर भी आज पूरा आपके लिए तैयार किया है अगले एपिसोड के लिए, ताकि हम देख सकें कि कितनी जगहों पे कैसे वो पूरी बन रही है। और एक चीज जिसके ऊपर हम अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे वो ये कि 3 तारीख को जब वोट पड़ जाएगा, 3 तारीख को वोटों पड़ने के बाद में क्या, सामान्यतः कभी ऐसा नहीं हुआ एक अलगोर वाले उस चुनाव को छोड़ करके जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 6 महीना चला, अदरवाइज नतीजा उसी दिन सवेरे तक आ जाता है दूसरे दिन तक और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। इस बार मामला अलग होने वाला है क्योंकि पोस्टल बैलेट्स को एक्सेप्ट करने की डेट्स भी अधिकांश राज्यों की अलग अलग है और दर्जन भर राज्यों की स्थिति यह मैं देख रहा हूं जिसमें पोस्टल बैलेट्स को, दरअसल एक राज्य में तो 17 नवंबर तक पोस्टल बैलेट जो आएंगे उनको एक्सेप्ट करने की वो है। तो हिलरी क्लिंटन ने जब ये बोला है कि जो बाइडेन को किसी भी कीमत पे 3 तारीख की रात को कुछ भी नतीजा आए उन्हें अपना कंसीड नहीं करना चाहिए रिजल्ट, वो उसका कारण यही है कि जो लोग लाइन में लग के वोट डालेंगे उसमें रिपब्लिकन्स ज्यादा होंगे, तो उस दिन जो पहले वो नतीजे आएंगे उसमें शायद ये लगे कि ट्रंप आ गए हैं, तो जो बाइडेन साहब को नतीजे एक्सेप्ट नहीं कर। इस पर भी आज माइक पेंस ने बोला इस बात जी कि यशवंत जी, इसकी हम लोग अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे और अब चूंकि खत्म हो गया इसलिए चर्चा को हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और दर्शकों उम्मीद है कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे होंगे और लगातार इसको देख रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ खास चीज़ों पर आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते रहिए, मैं खुद उन कमेंट्स को देखता हूं और उसके आधार पर फिर हम यशवंत जी के साथ बातचीत करके उन मुद्दों को भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, धन्यवाद, दर्शकों आपका भी। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।